अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम सेल के टैब में मौजूद फॉर्मेट की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम फॉर्मेट के ऑप्शन में मौजूद रो हाइट एंड कॉलम विड्थ की ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह आप अपनी एक्सेल की शीट में रो की हाइट और कॉलम की विड्थ बढ़ा और कम कर सकते। उसके लिए सिंपल, आप अपनी रोज को सिलेक्ट कर लें, देन फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको रो हाइट का ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अगर आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 25 कर देती हूँ, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रो की हाइट थी वो अब इंक्रीज हो चुकी है। रोज की हाइट को ऑटोफिट करने के लिए सिंपल, आप उन सिलेक्टेड रो पे क्लिक करें, देन फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑटोफिट रो हाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से अब ऑटोफिट हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलम की विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कोई बाई डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, देन ओके कर देंगे तो इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑटोफिट कॉलम विड्थ। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपके कॉलम है वो ऑटोफिट कॉलम विड्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिफॉल्ट विड्थ का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी गई है आपके कॉलम की विड्थ की। और अगर आप इस पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉलम है वो अब अपनी ओरिजिनल विड्थ में वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड एंड अनहाइड का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डिफरेंट तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट। अगर आप अपनी शीट से किसी भी रो को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस रो को सिलेक्ट कर लें, देन आप फॉर्मेट के ऑप्शन पे हाइड रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो है वो हाइड हो जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको वन के बाद थर्ड रो शो हो रही है। और अगर आप अपनी हाइट रो को दोबारा से यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो सिंपल आप फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हाइट एंड अनहाइट के ऑप्शन पे क्लिक करके अनहाइट रोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दोबारा से आपकी सेकेंड रो शो हो जाएगी। अपने कॉलम्स को हाइट करने के लिए सिंपल आप कॉलम को सिलेक्ट कर लें, देन फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाइट एंड अनहाइट की ऑप्शन शो हो रही है। यहाँ पर हाइट कॉलम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कॉलम आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। और अगर आप उसको दोबारा से यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो सिंपल दोबारा उसी ऑप्शन पे क्लिक करें एंड अनहाइड कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दोबारा से यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड शीट का, कि अगर आप अपनी शीट को हाइड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक से ज्यादा शीट्स हो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक शीट और ले लेते हैं। इस पे क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और शीट क्रिएट हो चुकी है और आप चाहते हैं कि शीट वन आपकी हाइड हो जाए और शीट वन में मौजूद डाटा आपका शो ना हो तो सिंपल आप शीट वन पे क्लिक करेंगे, देन हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करके हाइड शीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शीट वन है वो हाइड हो जाएगी। और अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपल आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अनहाइड शीट की ऑप्शन पे क्लिक करने से आपकी जो शीट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीनेम शीट का, कि अगर आप किसी भी शीट का नेम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई शीट क्रिएट की है रिजल्ट कार्ड से और आप उस शीट का नेम रखना चाहते हैं रिजल्ट, तो सिंपल आप रीनेम शीट के ऑप्शन पे क्लिक करें, देन आप अपनी इस शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिजल्ट, सो इस तरह से आप अपनी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है रीनेम करने का, कि आप इस पर राइट क्लिक करें और देन यहाँ पर रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से इजीली नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी किसी भी शीट को कॉपी करना चाहते हैं और कॉपी करने के बाद उसे मूव करना चाहते हैं तो सिंपल आप मूव और कॉपी शीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने इस तरह से एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। इनमें से आप जिस शीट को कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं शीट 5 को कॉपी करना चाहती हूँ, इस पर क्लिक किया। देन यहाँ पर आपको बुक 1 का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट अ कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करें, देन ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपकी शीट 5 है वो न्यू बुक पे आपको शो हो रही है। सो इस तरह से आपने अपनी शीट 5 को कॉपी भी किया और उसे न्यू बुक पे मूव भी किया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर टैब कलर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि टैब होते क्या हैं, कि यहाँ पर आपको शीट 2 का टैब शो हो रहा है, शीट 5 का टैब शो हो रहा है, शीट 4 का टैब शो हो रहा है, इसको हम टैब्स बोलते हैं। अगर आप इन टैब्स के कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम आप यहाँ पे कलर शो करना चाहते हैं कि जो ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो चुकी है, रेड कलर शो करता है कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए अगर आप इसको यहाँ पे कलर से शो कर देंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो इसके लिए सिंपल आप टैब कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप जो कलर इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शीट 4 पे मैं अगर रेड कलर अप्लाई करना चाहती हूँ तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो शीट 4 है उस पर रेड कलर अप्लाई हो चुका है, मीन्स कि ये शीट रिजेक्टेड है। और अगर आप एक्सेप्ट की फॉर्म शो करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, देन टैब कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कलर पे क्लिक करने से आप देखेंगे कि वो शीट हमें शो कर रही है कि ये शीट एक्सेप्ट हो चुकी है। सो इस तरह से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेल की शीट पे कोई वर्क ना करे, कोई भी उसमें किसी तरह का डाटा एंटर ना करे और आपकी जो फाइल है वो सिक्योर रहे, तो उसके लिए सिंपल आप फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस फाइल को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिंपल आप उस शीट पे उस फाइल पे क्लिक करें, देन आप फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसपे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक विंडो शो हो रही है जिसपे आप पासवर्ड अप्लाई करेंगे जो आप इजिली रिमेम्बर रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करती हूँ, देन इसको ओके कर देंगे। अगेन पासवर्ड टाइप करना है, ओके कर देने से आपकी जो फाइल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी शीट से लॉक रिमूव करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपल अनप्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप अगेन यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, देन ओके कर दें। तो आप अब अपनी शीट पर कुछ भी टाइप और एंटर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट को लॉक लगाकर पासवर्ड की हेल्प से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।